हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, जीवित संस्कृति। कई संस्कृतियों के नाम लिए जाते हैं। मिस्र की संस्कृति बड़ी ऊंची थी, मेसोपोटामिया की संस्कृति बड़ी ऊंची थी, ऐसा कहा जाता है। तो थी का, उनके साथ में थी का शब्द आता है, थी यानी अब वो जीवित नहीं है। एक ऐसी संस्कृति जो आज तक जीवित है और लग रहा है कि उसके अंदर जीवन की शक्ति बहुत ज़्यादा है, वो भारतीय संस्कृति है। उसका एक कारण ये है कि जो ध्रुव दर्शन है, ऐसा दर्शन जो आम आदमी नहीं समझ सकता। बहुत सारे तो दर्शन के शब्द ही ऐसे हैं जिनको आदमी नहीं समझ सकता। तो उनको समझाने के लिए हमारे यहाँ एक काम किया कि पुराणों की रचना की, जिसको ऐसा आदमी जो सड़क पर झाड़ू भी लगा रहा है, बिल्कुल बेपढ़ा लिखा है, वो भी वेद की बात को समझ सके कहानियों के द्वारा। तो ऐसी कहानियाँ बना दी, उनका अर्थ वही था जो। तो अब बहुत सारे आदमी पूछने लगे, एक आदमी मुझसे पूछने लगे कि जी मैं काम कर रहा हूँ अरबिंदु की जो काव्य है, बहुत बड़ा काव्य है और बड़ा ध्रुव काव्य है और दुनिया में बड़ा ऊंचा माना जाता है, सारे संसार के जो दार्शनिक हैं वो उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, वो है सावित्री काव्य। और सावित्री काव्य जो है वो बड़ा कठिन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने PhD के लिए विषय तो ले लिया। तो मैंने कहा कि मैं बैठो आप, मैं आपको बहुत सरल कर देता हूँ। तो वो बैठ गए। मैंने उनको कहा कि आपने कहानी तो सुनी होगी सावित्री और सत्यवान की। कह रहे हाँ, वो तो घर में पूजती भी हैं, औरतें बड़ पूजा करती हैं सावित्री की। तो मैंने कहा सावित्री कौन थी? वो कहने लगे कि राजा की कन्या थी सावित्री, बहुत सुंदर थी, सुशीला थी, लेकिन उसके बाप जो थे वो चाहते थे कि कोई ऐसा वर मिले और ऐसा घर मिले जहाँ मेरी बेटी आनंद से रह सके। क्योंकि मनु ने यही कहा है कि पिता के पुण्य से, अगर पिता पुण्यात्मा है तो बेटी को अच्छा घर भी मिलता है और अच्छा वर भी मिलता है। और जिस घर में बेटी जाकर के दुखी रहती है, जब बेटी का एक आंसू भी गिरता है तो पिता का एक पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए कहा कि पिता को बहुत सोच समझ करके कन्यादान करना चाहिए। किसके हाथ में मैं अपनी कन्या सौंप रहा हूँ, इसकी सारी जिम्मेदारी पिता पर होती है। अगर पिता ने गलत आदमी के हाथ में कन्या सौंप दी और कन्या वहाँ दुखी हुई, कन्या रोई, तो एक एक आंसू के साथ पिता का एक एक पुण्य खत्म होता चला जाएगा और अंत में क्या होगा कि पिता के सारे पुण्य खत्म, पिता नरक में घसीटा जाएगा। तो सावित्री के पिता जो थे अशुपति, वो भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा अपने, मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, लेकिन उन्हें कुछ तसल्ली नहीं होती थी। तो उन्होंने फिर सावित्री पर ही छोड़ दिया। उनका सावित्री तुम अपने अनुकूल जहाँ तुम सुख से रह सको और वो आपको ऐसा लगे कि वो अच्छा घर है, तुम जाकर के खुद ही अपना वर खोजो। इसके से स्वयंवर की प्रथा ही हमारे यहाँ रही है। हमारे यहाँ कन्याओं को और स्त्रियों को पूरी फ्रीडम रही है अपना वर चुनने की। आज हमारे संविधान में इस बात का पूरा विधान कर दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी कर दिया है कि अगर कन्या अपनी वयस्क आयु को, जवान आयु को पहुंच चुकी है तो उसे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है, कोई उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जाओ बेटी तुम अपना वर चुनो। सावित्री जो थी अपना वर घूमने के लिए चुनने के लिए चली। एक जगह वन में जा करके सावित्री जो थी आराम करने के लिए अपनी सखियों के साथ बैठ गई। तो वहाँ एक व्यक्ति जो थे उनके माथे पर पसीना बह रहा था, कुल्हाड़ी उनके हाथ में थी और वो अपने एक दो साथी एकाध थे उनसे कह रहे थे कि कर्मों का फल पता नहीं क्या है, एक राजा के घर भी जन्म लेकर के और हमारी ऐसी दुर्गति होगी कि जंगल में लकड़ी काटने के लिए आना पड़ेगा और लकड़ी काट करके ले जाएंगे तो घर में खाना पकेगा। तो सावित्री ने देखा उसको, उसके मुख पर राजसी तेज है, वाकई ऐसा लगता है वो राजा का पुत्र है और वो दुखी है उससे लकड़ी काटने से।
लेकिन सावित्री ने देखा कि अपने कर्तव्य को निभाने में कितना प्रसन्न हो रहा है, वो माथे पर पसीना आ रहा है और ये जानता है कि राजा के घर में जन्म लेकर के भी मैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा के साथ लकड़ी काट रहा है कि जब तक मैं लकड़ी घर नहीं ले जाऊँगा माँ बाप भी मेरे भूखे बैठे रहेंगे और मेरे लिए भी खाना नहीं पकेगा। तो इतनी श्रद्धावान आदमी और तप करने में भी किसी बात का उसे संकोच नहीं हो रहा। तो सावित्री ने कहा कि अपनी सखियों से कि इनको जाकर के पूछो ये कौन है। उन्होंने जाकर के पूछा, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, लकड़ी कैसे काट रहे हैं, आपके चेहरे पर तो राजा क्या राज घराने का तेज चमक रहा है। तो उसने अपने पिता का नाम बताया कि मेरे पिता का ये नाम है, मैं उनका पुत्र हूँ, हमारा राज दुश्मनों ने छीन लिया है, पिता की आंखें जो हैं वो भी फोड़ दी हैं, अंधे हो गए हैं वो, हम लड़ाई भी नहीं कर सकते उनसे, कोई हमारी सहायता भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, माँ बाप को ये नहीं महसूस होने दूँगा कि वो दुखी हैं किसी तरह से। तो सारा हाल पूछ करके आई तो सावित्री ने कहा कि ये वर जो है सबसे अच्छा है, जो राजघराने का होते हुए भी और इतनी मेहनत से काम कर रहा है, इसके घर में मुझे बहुत सुख मिलेगा। तो सावित्री ने क्या काम किया कि आकर के उसके गले में, उन्होंने कहा कि इसका नाम सत्यवान है, उसके गले में माला डाल दी और माला डाल करके लौट करके आई तो अपने पिता से कहा कि मैंने अपना वर खोज लिया है, राजघराने का पुत्र है, लेकिन राजघराने का पुत्र होते हुए इतना परिश्रम कर रहा है अपने माँ बाप की सेवा के लिए कि मेरे माँ बाप भूखे ना रहें, इसलिए लकड़ी जल्दी काट के ले जानी है, और मुझे लगता है कि वो घर गृहस्थी को संभालने वाला बहुत अच्छा युवक सिद्ध होगा, तो इसलिए मैंने उसके गले में माला डाल दिया। तो उसी समय नारद जी आ गए वहाँ। नारद जी ने उसके पिता को कहा कि सावित्री से कहो कि अपना निर्णय बदल दे। वो कहने लगी सावित्री कि मैं तो निर्णय नहीं बदलती, क्या कारण है। उन्होंने कहा कि मैंने जन्मपत्री देखी है उसकी, और उसकी जन्मपत्री के हिसाब से उसकी मृत्यु में केवल एक साल रह गया है, उसका जीवन एक साल का है, एक साल बाद विधवा हो जाओगी तुम, तो इसलिए अब निर्णय बदल के वो माला वहाँ से उतार लो उसके गले से और किसी और के गले में डाल दो। सावित्री कहने लगी नारद जी मैं आर्य कन्या हूँ, मैं आर्यों में जन्म लिया हूँ, आर्य कन्याएं अपने पति रोज़ रोज़ नहीं बदलती हैं, जिसको एक बार पति कह दिया सारे जीवन वही पति रहेगा। और उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द सावित्री ने प्रयोग किया, उसने कहा कि आर्य कन्या एक पति को ही पति मानती है और एक शैया वासनी होती है, एक ही व्यक्ति की शैया पर वो शयन करती है, रोजाना पति बदल के नई नई शैयाओं पर शयन नहीं करती, इसलिए मैंने जिसको एक बार पति मान लिया उसको आजीवन के लिए पति मान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। नारद जी ने बहुत समझाया, उसने कहा कि मैं आर्य कन्या हूँ, मैं पति नहीं बदलती हूँ, रोज़ पति बदलना मेरा काम नहीं है, आज उल्टा काम हो रहा है, आज पाश्चात्य संस्कृति में तो रसल लिख रहे हैं कि अमेरिका की संस्कृति में ये हो रहा है कि दे चेंज देयर वाइफ विद एवरी डिनर सूट एंड दे ब्रिंग ए दे परचेज ए न्यू हस्बैंड वेन एवर दे परचेज ए रिस्ट वॉच। वहाँ आज बिल्कुल संस्कृति उल्टी हो गई है, आज ये हो गया कि जब डिनर सूट लेने के लिए जाएंगे तो डिनर के सूट के साथ एक पत्नी भी खरीद लाएंगे नहीं, और वो जिस दिन रिस्ट वॉच बदलेगी उस दिन एक पति भी ले आएगी। ये हमारी आर्य कन्याओं के बिल्कुल विरोध है। सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या जिसको एक बार पति कह देती है अपने मुख से उसको बदलती नहीं, क्योंकि बार बार पति बदलना हमारी आर्य कन्याओं में नहीं है। बहुत समझाया नारद जी ने, नहीं मानी वो, तो खैर वो शादी हो गई। जंगल में लकड़ी काटने दोनों जाते थे, वो लकड़ी काटता था, ये लकड़ी को गट्ठे उट्ठे बांधती थी। तो एक साल का टाइम हो गया, सत्यवान ने कहा सावित्री आज मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, पीड़ा बहुत हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन आज अंत होने वाला है। वो एक साल जो बताया था नारद जी ने, आज एक साल पूरा हो गया है। अब सावित्री को बड़ा दुख हुआ। सावित्री ने कहा कि देखो तुम्हारी जो पीड़ा है इसका हरण करूँगी, तुम मेरे जंगा पर सिर रख करके लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबाऊंगी। और वो उसका सर दबाने लगी। जब एक साल पूरा हो गया तो फौरन यमराज आ गए वहाँ पर कि सावित्री इसको छोड़ दो,
अब ये हमारे पास में आ गया है, क्योंकि ये एक साल पूरा हो गया इसके जीवन का। सावित्री ने कहा कि तुम्हारी शक्ति है तो तुम खींच लो इसको, मेरी शक्ति है तो मैं नहीं खींचने दूंगी। यमराज कहने लगे कि सती स्त्री के शरीर को हाथ लगाने से यमराज भी भस्म हो जाएगा, इसलिए हम किसी पवित्र स्त्री के को हाथ नहीं लगा सकते। तुम ये करो कि इसका इसको अपने शरीर से अलग कर दो। तो सावित्री ने नहीं छोड़ा, यमराज खड़े रहे, क्योंकि ये भी हमारी संस्कृति की एक चीज़ है कि जो पवित्र स्त्री है, दुर्गा माता जो हैं, उनको पकड़ने के लिए जब शुंभ और निशुंभ आए और उन्होंने उसको भेजा धूम लोचन को कि इतनी सुंदर स्त्री को कहो कि पहाड़ पर तपस्या मना करे, हमारी रानी बन जाए। तो जिस वक्त धूम लोचन गया उसको पकड़ने के लिए, तो उसने कहा यहाँ बैठी हुई तुम क्या कर रही हो, तुम रानी बन जाओ, महारानी बना देंगे तुम्हें। वो कहने लगी बस मैं ये तपस्या करके आई हूँ कि जो शक्ति में मुझसे ज़्यादा होगा उसी से विवाह करूँगी। तो अगर तुमने विवाह करना है तो उनसे कहो अपने राजा से कि मुझसे आके संघर्ष करें। तो वो कहने लगा फिर मैं तो तुझे पकड़ के उठा के ले जाऊँगा। उसने कहा मैं शुचिव्रता हूँ, यानी पवित्र नारी हूँ, मेरे शरीर को हाथ लगाया तो तू भस्म हो जाएगा। वो माना नहीं धूम लोचन, उसने जाकर के जैसे उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, उसने एकदम हुंकार भरी और वो भस्म हो गया। तो हमारे यहाँ एक पवित्र नारी का हाथ लगाने वाला आदमी पतित हो जाता है, नरकगामी हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो वो खड़े रहे, फिर उन्होंने एक तरकीब सोची, उन्होंने सत्यवान को ऐसा कर दिया कि बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मुझे जल ला करके पिलाओ नहीं तो मेरे प्राण। तो सत्यवान तड़पने लगा, सावित्री कहीं से एक थोड़ा सा जल लाओ, और सावित्री जैसे ही जल लेने के लिए गई, यमराज ने फट से उसके प्राण हरण कर लिए। अब सावित्री जो आई तो जल ले करके, तो वो तो मरा हुआ था। उसने यमराज को घेर लिया, उसने कहा कि आप इस तरह से मुझे धोखा दे करके कि जल लेने के लिए भेज दिया, इसके प्राण लेकर के नहीं जा सकते, मैं आपका रास्ता रोक लूँगी। अगर आपके अंदर शक्ति है तो मुझे धक्का देकर के, उन्होंने कहा तेरे शरीर को तो छू ही नहीं सकता मैं, तेरे शरीर को छूँगा तो भस्म हो जाऊँगा। तू पतिव्रता सती नारी है, तू पवित्र नारी है, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दे। उसने कहा नहीं, कहने लगे एक वरदान मांग ले। उसने कहा पहला वरदान ये है, अगर देना चाहते हो, कि मेरे जो सास और ससुर हैं जिनको शत्रुओं ने अंधा कर दिया, उनकी आँखें फोड़ दिए हैं, उनकी आँखें ठीक कर दो। उसने कहा तथास्तु, जा तू घर जाएगी तो उनकी आँखों में ज्योति मिलेगी तुझे। फिर वो चल दी उसके साथ। उसने कहा अब तो तू मान गई, अब तो तू छोड़ दे मेरा पीछा। उसने कहा मैं नहीं छोड़ दूँगी आपका, मैं सती नारी हूँ। उसने कहा चले एक वरदान और देता हूँ तुझे, एक वरदान और मांग ले इसके बदले में, सत्यवान के बदले में, और मेरा पीछा छोड़ दे। उसने कहा दूसरा वरदान ये है कि मेरे ससुर का जो खोया हुआ राज है वो मेरे ससुर को प्राप्त हो जाए। वो कहने लगे अब तेरे ससुर की आंखें आ गई हैं, और जितने अपने सहायक राजा हैं उनको इकट्ठा करके और अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेगा, विजय प्राप्त होगी, या राज भी मिल गया। राज लेकर के चल दिया तो यमराज बहुत आगे निकल गए, तारामंडल में पहुंच गए, सावित्री पीछे पीछे गई। उन्होंने कहा अब तो तू मेरा पीछा नहीं छोड़ दे, क्योंकि तारामंडल में स्त्रियाँ नहीं आती हैं, और अगर अब आगे बढ़ी तो तू भस्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि जो आपने राज दिया है और आपने मेरे उनकी आंखें ठीक की हैं, इस राज को संभालेगा कौन, सत्यवान को तो आप लिए जा रहे हो। उसने कहा फिर तो क्या मांगती है। उसने कहा निष्कलंक पुत्र में ऐसा दो जो हमारे कुल के राज को संभालने वाला हो और कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला हो। उन्होंने कहा जा तथास्तु, तेरे राज को संभालने वाला पुत्र तुझे। बस जैसे ही उन्होंने कहा, सावित्री ने उनके लगाम पकड़ ली। उसने कहा कि तुम देवता हो, झूठे वचन देते हो, झूठे वरदान देते हो, देवलोक में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और तुम्हें नीचे गिरा दिया जाएगा पृथ्वी पर। कहने ये क्या कह रही है तू। उसने कहा जब तुमने ये कह दिया कि तुम्हारे कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला एक निष्कलंक पुत्र तुम्हारे घर पैदा होगा, तो सत्यवान के बिना निष्कलंक कैसे हो सकता है। विधवा नारी के जो पुत्र पैदा होगा वो तो कलंकित होगा, इसलिए सत्यवान को जिंदा करो, मेरे साथ भेजो, और नहीं तो अपना जो आपका बताना है, मैं सारे देवताओं को जब कहूँगी तो आपको स्वर्ग से धक्के मार के निकाल देंगे, क्योंकि देवता झूठे वचन नहीं बोलते हैं।
यमराज कहने लगे तू सती स्त्री है, तू पवित्र स्त्री है, तूने अपने पवित्रता के कारण से और अपने सत्बल के कारण से, कि नारी कितनी बलवान होती है, यमराज को भी पराजित कर सकती है नारी, उसको सत्यवान को छोड़ दिया। उन्होंने कहा जा तेरे एक नहीं तेरे शत पुत्री, सात पुत्र होंगे तेरे, और सातों पुत्र जो हैं सारी दिशा में जा करके तेरे कुल का नाम ऊँचा करेंगे। तो ये कहानियाँ हमारी इस बात को बताती हैं कि वैदिक नारियाँ कितनी पवित्र होती थी हमारे यहाँ, और वैदिक नारियों को कितनी स्वतंत्रता थी। हमारे यहाँ नारी को कभी भी गुलाम बना करके नहीं रखा गया, जंजीरों में बांध कर नहीं रखा गया। तो सारे इस समझाने के लिए कि मनु ने जो नारी के लिए कहा कि नारी बड़ी पवित्र होती है, नारी बड़ी ये होती है, और नारी के अंदर बड़ा बल होता है, शक्ति होती है, ये कहानी हमारे यहाँ लिख दी। और इस कहानी से समझा दिया कि वैदिक संस्कृति जो है उसके अंदर नारी का कितना ऊँचा स्थान है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे यहाँ, सारा पुराण भरा पड़ा है, 5 लाख श्लोक हैं हमारे सारे पुराणों में, और 5 लाख श्लोकों में बहुत कहानियाँ, बहुत तरह तरह की कहानियाँ भरी पड़ी हैं, जिसमें स्त्री का सत्यत्व दिखाया है, संतान कैसी होनी चाहिए, सारा चीज़। तो ये कहानियाँ हैं बहुत सारी, इन कहानियों से हम प्रेरणा लेकर के आगे चल सकते हैं।